So to continue drawing the path of the rays in both the cases, concave mirror as well as convex mirror, the rules will remain the same. The laws of reflection are angle I should be equal to angle R, and then the second law says that the incident ray, the normal ray and the reflected ray all should lie in the same plane. तो वही लॉज यूज करके हम स्फेरिकल मिरर्स में जब रे की रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन करेंगे तो वो कैसे होगा, लेट अस सी. दिस इज द इंसिडेंट रे. अगर मैं इसको लेबल कर दूं ए बी, तो बी हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सेम फॉर दिस ए बी. द फर्स्ट रूल दैट वी हैव टू रिमेंबर कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उस पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉप करना होता है. What is a normal? The normal is a perpendicular dropped at the point of incidence. अब previous video में आपने देखा कि mirror plane था. Plane mirror पे perpendicular draw करना easy होता है. एक 90 degree का angle आपने बना दिया, right? Now this is a spherical mirror. So for spherical mirrors, always remember this, that normal जब भी आपको spherical mirror का draw करना है तो point of incidence को center of curvature से join कर देना है. The point of incidence has to be joined with the center of curvature by using a dotted line. So this line, agar main isko n mark kar do, so this is the normal. So what is the normal for a spherical mirror? It is the straight line joining the point of incidence to the center of curvature. Similarly, yahan hum dekhe to ye point of incident hai aur ye center of curvature hai. So इसका नॉर्मल कैसे बनेगा? वी विल जॉइन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. कोई भी रे कहीं पर भी मिरर को स्ट्राइक करे, यू हैव टू सिंपली जॉइन दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस लाइन इज नाउ एक्टिंग एज अ नॉर्मल. सो दिस इज द नॉर्मल नाउ, राइट? अब जैसे हमारा नॉर्मल आ गया, now we will be able to mark angle I. This is angle of incidence. I told you the angle made by the incident ray with respect to the normal is called angle of incidence. Jo angle incident ray aur normal ke beech mein hota hai wahi angle I hota hai, kyunki angle to yahan bhi hai, dekhi angle yahan bhi hai. To hame kaise pata chalega angle I kaun sa hai? Bahut easy hai, hamesha incident ray aur normal ke beech mein jo angle aayega. Now let us see here. यहाँ पर ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये रहा नॉर्मल. सो दिस इज एंगल आई, द एंगल लाइंग बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे. हम दोनों मिरर्स में सेम रूल्स लगा रहे हैं, बट बिकॉज मिरर्स की शेप में डिफरेंस है तो आप देखेंगे एंगल्स में कैसे डिफरेंस आएगा, राइट? अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई के बराबर हम एंगल आर बनाएंगे तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी. सो नाउ वी हैव टू मेजर एंगल आई. एंगल आई को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर यूज होगा. प्रोटेक्टर के लिए मैंने आपको कल एक रूल बताया था, प्रीवियस वीडियो में एक रूल बताया था. दिस इसको कैसे रखते हैं, इसका जो ये बेस है, दिस शुड ऑलवेज कोइंसाइड विद द नॉर्मल. ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, क्लियर? ये जो ब्लैक वाली लाइन है डी की, प्रोटेक्टर की, ये हमेशा नॉर्मल के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, फाइन? सो आई हैव कोइंसाइडेड द लाइन विद द नॉर्मल और हमारा जो 90 डिग्री वाला मार्क है वो मिरर के सरफेस के साथ में कोइंसाइड होना चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्लेसिंग द प्रोटेक्टर और द डी. अब यहाँ से आप इस एंगल को आराम से मेजर कर सकते हैं. यू कैन सी 0, 10, 20, 30. सो द वैल्यू ऑफ एंगल आई इज 30. कैसे डी को हमने प्लेस किया, ध्यान से देख लीजिए. सो आई हैव मेजर्ड, सो माई एंगल आई हियर इज 30. लेट अस मेजर दिस वन. अब इस केस में ये रहा नॉर्मल, क्लियर? तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज प्लेस द डी इन सच अ वे कि उसका जो बेस है वो नॉर्मल से कोइंसाइड हो. नॉर्मल से कोइंसाइड हो गया, अब यहाँ से मेजर करिए, देखिए 0, 10, 20, 26 डिग्री आ रहा है, क्लियर? सो इन दिस केस योर एंगल आई इज
26 डिग्रीज, राइट। इधर का भी एंगल आई बना दिया, इधर का भी एंगल आई बना दिया। अब बनाना है एंगल आर। अब एंगल आर किधर बनाएं, इस तरफ बनाएं कि इस तरफ बनाएं, कहाँ बनाना पड़ेगा? अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, एंगल आई भी नॉर्मल के साथ बनता है, एंगल आर भी नॉर्मल के साथ बनता है। तो नॉर्मल तो ये है, दैट मीन्स हमें एंगल आर इधर बनाना पड़ेगा। वंस अगेन आई हैव टू प्लेस माय डी सच दैट इट्स बेस इज कोइंसाइडिंग विद द नॉर्मल। अब आपने डी को प्लेस कर दिया, आपको एंगल बनाना है 30 डिग्री का, इन दिस केस 0, 10, 20, 30, फाइन। नाउ आई विल जॉइन द पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल दैट आई हैव मेड एंड आई हैव गॉट द एंगल आर। दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ये ही एंगल हमने यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये तो फिर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच आ जाता, नॉर्मल का होना ज़रूरी है। लेट्स सी हियर, अब यहाँ पर हमें नॉर्मल बनाना है, अगेन ये रहा नॉर्मल रे, तो इसके साथ इधर बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल। सो आई प्लेस माई डी इन दिस वे, और कितना था एंगल हमारा 26, तो हम 26 मेजर करेंगे, 10, 20, 25, 26 पे मैंने मार्क लगा दिया। एंड नाउ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जब हम इस लाइन इस पॉइंट से माल ज्वाइन करेंगे, आई एम गोइंग टू गेट माय रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज एंगल आर एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। सो देखिए सेम रूल्स लगा रही हूँ मैं, एब्सोल्युटली सेम, बट किस केस में रे कहाँ को जा रही है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम सिंपली फॉलोइंग माई रूल्स दैट आई लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने प्लेन मिरर की रेज को बनाना सीखा था। एंड आई एम फॉलोइंग माई रूल्स कि एंगल आई कौन सी दो रेज के बीच में होता है, एंगल आर कौन सी दो रेज के बीच में होता है, एंड दिस पॉइंट ऑन विच दिस रे विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर होगा आपका फोकस। इफ़ यू मेजर एंड मेक, बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करके बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एनी रे विच गोज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से ही निकलेगी। यहाँ पर भी देखिए, दिस वॉज अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हमने प्रोड्यूस किया, तो ये पीछे से फोकस से ही निकलेगी। दिस विल बी द फोकस जहाँ पर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन, अब कोई भी रे आपको दे दी जाए, यू हैव टू फॉलो द सेम रूल्स and you should be able to mark angle I, angle R, focus, center of curvature, सब कुछ measure करके बनाना है, clear? Now based on this you will get a worksheet जिसको आप complete करेंगे तो आपकी practice हो जाएगी। And one more thing, always remember, concave mirror हो या convex mirror हो, principal axis पे compass लेकर एक particular radius लेकर बनाएंगे, radius आपकी मर्जी है, 3 ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर पेज, बट ऑलवेज ड्रॉ द मिरर बाय यूजिंग अ कंपस, तो उसकी शेप प्रॉपर आएगी, आपका मेजरमेंट प्रॉपर रहेगा, ये एग्जैक्टली ये मिरर आ गया, ये सी आ गया, इन दोनों के बीच में आएगा एफ, तो आपका रे डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू।